गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वीकेंड का दिन और सुबह के बज रहे हैं 8। आज हम जल्दी क्यों उठ गए? क्योंकि आज है बहुत इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि लक्ष का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है नवंबर में, एंड नवंबर में हमें इंडिया ट्रैवल करना है। तो आज हमने ले रखी है पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट, ताकि हम लक्ष का पासपोर्ट टाइमली रिन्यू करवा सकें। सो आज मैं आपको बताऊँगा कि यूएई से पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट कैसे रिन्यू कराते हैं। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग। तो आइए सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। है वेदांत, ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है, एंड ये है लक्ष्य जो ऑलरेडी तैयार हो गया है और अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। सो यूएई में पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, आई मीन इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड, वो एक कंपनी है BLS इंटरनेशनल। ये वो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी के साथ मिलकर पासपोर्ट रिलेटेड या वीज़ा रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं यूएई में, वो सब हैंडल करती हैं। तो सबसे पहले हमें BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट पे आना है। ये वेबसाइट का URL आप वीडियो में देख सकते हो। इस वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसके होम पेज पर ही हम दो ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है इंडिया वीज़ा सर्विसेज, अगर किसी को वीज़ा रिलेटेड काम है तो वो फर्स्ट ऑप्शन में जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है इंडिया पासपोर्ट सर्विसेज। तो जैसे हमें पासपोर्ट से रिलेटेड काम है तो सेकंड ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक अनदर पेज ओपन होगा, एंड उस पेज पे हम टॉप पर ही ऑप्शन देख सकते हैं बुक अपॉइंटमेंट, उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग भरना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है सर्विस टाइप, जैसे पासपोर्ट रिलेटेड काम है तो हम पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, या वीज़ा रिलेटेड काम है तो वीज़ा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर बाकी के ऑप्शन भर देने हैं, जैसे कि नियर बाय सेंटर हमें कौन सा चाहिए, जैसे कि अबू धाबी प्रीमियम लॉन्च मेरे बिल्कुल नियर बाय है तो मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था। उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद एक अनदर क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन टाइप, या मुझे पासपोर्ट रिलेटेड काम है, पासपोर्ट में रिन्यू करवाना है, या फिर नया पासपोर्ट अप्लाई करना है, न्यू बॉर्न बेबी का पासपोर्ट अप्लाई करना है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। ये सब ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड आगे की डिटेल्स भी भर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। व्हाट इज़ द टाइम, क्या डेट हमें चाहिए, क्या टाइम हमें सूट करता है, तो वो सब भरने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद तुरंत ही हमें एक ईमेल आ जाएगी, जो हम ईमेल एड्रेस इस फॉर्म में देंगे, उसी ईमेल पे हमें अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन हमें मिल जाएगी। सो जैसे ही मैंने अपना फॉर्म सबमिट करा, तुरंत मुझे ईमेल आ गई उस डेट की और उस टाइम की जो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबमिट करा था, और वहीं पे मुझे एड्रेस भी मिल गया। सो आइए, टाइम हो गया, तो आइए चलते हैं सेंटर पे। सो पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए हमें ओल्ड पासपोर्ट, पेरेंट्स के पासपोर्ट एंड सारी इमिग्रेंट्स आईडी चाहिए होती हैं। इसके अलावा और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। सब तैयार हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। यहाँ पे चल रही है बिल्डिंग की सफाई, सारा रोड पे हो रखा है पानी पानी। तो पासपोर्ट ऑफिस की जो लोकेशन है वो हमारे घर से अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर पड़ती है, तो इतनी दूर जाने में अप्रॉक्सीमेटली हमें 15-2 मिनट्स तो लग जाएंगे। तो आइए चलते हैं। Thank you.
अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ तक पहुंचने में हमें जो अमाउंट पड़ा वो 17.25 पड़ा, जो अप्रोक्सीमेटली 350 INR के बराबर होता है। कौन सी बिल्डिंग है यार, थी तो इन्हीं में से कोई सी। आई थिंक वो ब्राउन, ये सामने जो ब्राउन वाली बिल्डिंग दिख रही है, इसी में मेजरीन फ्लोर पर ही BLS इंटरनेशनल का ऑफिस है। सो आइए चलते हैं इनके ऑफिस में। सुनहरी हवा चल रही है। आते ही इन लोगों ने हमें एक पेपर दिया है जिसमें हमें नॉर्मल सी डिटेल भरनी है, जैसे कि लोकल का UAE नंबर क्या है, इंडिया में सबसे नज़दीक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है ताकि पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपरली हो सके, इंडिया में एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, लाइक दैट। बहुत ही नॉर्मल सी डिटेल्स हैं जो फॉर्म हमने भर के उनको वापस रिटर्न कर दिया है। तो हमने प्रीमियम लॉन्च सेलेक्ट करा था, ये नॉर्मल जो सर्विसेज होती हैं BLS इंटरनेशनल की, उससे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, 200 dirhams एक्स्ट्रा पड़ता है। तो यहाँ पे आने के बाद इस ऑफिस में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ इन्होंने हमें यहाँ पे बिठा दिया है, एंड जो बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब के सब यहाँ BLS इंटरनेशनल कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब टेक केयर कर रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिव्यू करना है, जैसे कि अब उन्होंने पासपोर्ट की डिटेल्स जो है हमें रिव्यू करने के लिए दिए हैं, थोड़े से साइन करने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा नथिंग एल्स, हमें कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी, इसके अलावा नथिंग एल्स, ओनली सिंपल प्रोसेस। तो पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए जो मेरा बिल आया वो आया है 568 dirham, जो INR में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 13,065 rupees मेरे को पड़ता है। तो एक पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए 13,065 rupees मुझे लगे हैं। इन्होंने फ़ोटो वगैरह भी खुद ही खींच ली थी पासपोर्ट के लिए, वो भी कैरी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। प्रोसेस 30 minutes में कंप्लीट हो गया और पुराना पासपोर्ट इन्होंने अपने पास जमा कर लिया है। पुराना पासपोर्ट भी नए पासपोर्ट के साथ आएगा, बट पुराना पासपोर्ट कैंसिल हो गया आएगा, उस पर कैंसिलेशन की स्टैंप लगी होगी। सो आइए चलते हैं अपने घर। चलो मिस्टर लक्ष, अब हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मैम सॉरी, वीडियो बनाते बनाते यार सामने से एक बंदा आ रहा था, उससे टक्कर हो गई थी। एनीवे